करा दिया। आपका विरोध टोटल डॉक्टर एक देवता होता है। सबसे पहले कौन है दीपा का सदा केस पटेल सर के पास जाइए, उनके पास जाइए, अब नहीं है कुछ नहीं है। लेकिन जब एक बार कोई चीज रिएक्शन कर दी तो उस पर हमको रोक लगा देना चाहिए, हमारा जांच करनी चाहिए कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप ये नहीं बता रहे कौन सा ब्लड ग्रुप था, क्या चढ़ा दिया, उनकी फिजिकल स्टेट बता रही कि वो क्या दिक्कत थी, आप वो बता दो। ब्लड ग्रुप दूसरा चढ़ा क्या था, रीजन आप बताओ मेरे को, आप जांच करो उस चीज की, सिंपल दो मेरे को। आप नहीं कर सकते, मैं करवाऊंगा। आपको थोड़ा सा तो रखना चाहिए, जरा सा क्या दिक्कत थी गया। नहीं, एक बार रिएक्शन किया आपके पास, जो ब्लड ग्रुप आया, जो भी ब्लड आया उसकी आपको जांच करनी। रीवा के दो अस्पताल विहान और विंध्या ने मिलाकर सेना के जवान पिता की ले ली जान, इसे लापरवाही नहीं तो सीधे सीधे कत्ल कहेंगे। रीवा के प्राइवेट अस्पताल में पैसे कमाने की अंधी दौड़ में चलते फिरते इंसान को एडमिट करके खून चढ़ाने के नाम पर कर दे रहे हैं कत्ल। ताजा मामला रीवा का, जहां बिहान अस्पताल में आया मरीज नंद किशोर मिश्रा की मौत से जुड़ा है। जहां 22 अगस्त की शाम 5 बजे सुहागी के बड़ा गांव से आए नंद किशोर मिश्रा को शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही थी, परिजनों ने रीवा के मशहूर डॉक्टर राकेश पटेल से मिलकर परेशानियों से अवगत कराया। डॉक्टर राकेश पटेल ने परिजनों को बताया कि नंद किशोर को हीमोग्लोबिन की कमी है और मरीज को एडमिट करने की सलाह दे डाली। डरता क्या न करता, परिजनों ने डॉक्टर की बात मान मरीज को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मरीज के भर्ती होते हुए डॉक्टर ने अपनी धमा चौकड़ी शुरू कर दी और ICU में एडमिट कर मरीज को वेंटिलेटर पर रख दिया। बी निगेटिव ब्लड ग्रुप के मरीज नंद किशोर मिश्रा को बिहार अस्पताल के जरिए बाहर से खून मंगाकर खून चढ़ाना शुरू किया, लेकिन खून चढ़ते ही मरीज को रिएक्शन करना शुरू कर दिया। बावजूद डॉक्टरों ने ब्लड का परीक्षण करना उचित नहीं समझा और अंततः एक दिन सामान्य बीमारी का इलाज कराने आए व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मरीज की मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने बिहार अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और प्रशासन ने दोषी डॉक्टर व अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। नंद किशोर मिश्रा के एकमात्र पुत्र राधा कृष्ण, जो कि भारतीय सेना में सैनिक हैं और कश्मीर में देश की सेवा कर रहे हैं, यह घटना सुनने के बाद रीवा आ रहे हैं। उनका कहना है कि विहान अस्पताल ने उनके पिता की हत्या की है। सैनिक राधा कृष्ण ने अस्पताल के बंद होने और डॉक्टर तथा अस्पताल के मालिक की गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार की मांग है कि जब तक अस्पताल बंद नहीं होता और डॉक्टर तथा अस्पताल के मालिकों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। अब न जाने कितने विधायकों के फोन की घंटी बजने लगी होगी और सारा सरकारी तंत्र इस अस्पताल के मालिकों को बचाने में लग गया होगा। जी बताइए क्या हुआ। ये था कि पूरी तरह से स्वस्थ थे, कल आए थे, कल आने के बाद ये था कि दिखाने के लिए लाए थे, दिखाने के दौरान ये नहीं था कि एडमिट कर, वो लोग एडमिट कराइए हीमोग्लोबिन कम है किंतु दो यूनिट खून की आवश्यकता है, तो हमने कहा ठीक है, बाकी और सब ठीक होंगे, कोई कमी नहीं, सिर्फ ब्लड की कमी है। तो हमने खून का प्रबंध किया और इन्होंने जैसे ही थोड़ा खून चढ़ाया वैसे ही मुझे बॉडी में रिएक्शन चालू हो गया, बॉडी में अकड़न आने लगा। और अकड़न के बाद जो है तो हमने उनको बोला सिस्टर, उस समय जो है इन्होंने ब्लड बंद कर दिया चढ़ाना। फिर ये दोबारा ICU में ले गए और फिर कुछ इंजेक्शन दवाई दे करके फिर पुनः ब्लड चढ़ाने लगे। उसका परीक्षण इन्होंने नहीं किया कि इसमें क्या कमी है ब्लड में, कि उसका परीक्षण करके दोबारा कब चढ़ाया जाना चाहिए मेरे दृष्टि से। पर बिना परीक्षण कराए दोबारा इन्होंने अधिक मात्रा में चढ़ा दिया, जिसका वास्तव में मरीज में ज़्यादा रिएक्शन हो गया, पूरी बॉडी में उसका रिएक्शन पहुँच गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। जी आपका नाम? राजेश कुमार तिवारी। और पिता जो मृतक है वो आपके क्या लगता है? संधू जी, लड़के से। अच्छा, आप नहीं, अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, अभी तक सुने ना, इसलिए ऐसा हुआ। दोबारा हमने चढ़ाया फिर बुलाएं, जब एक बार रिएक्शन करिया तो उसको रोक देना चाहिए, फिर देखना चाहिए। आप डेथ ऑफ कॉज ऑफ डेथ बोले ट्रांसफ्यूजन, एक बार रिएक्शन ब्लड किया तो आपको रोक देना चाहिए। किस वजह से हो गया, क्या हुआ? ब्लड ग्रुप आपको कहने से हमको ब्लड ग्रुप जीवन मिलेगा नहीं, आप बताओ पंचायत करने में। लेकिन हमारा जो है धन धर्म आप सबने ले लिया है, मैं तो देख लिया, आप हमारे लिए विरोधी हो चुके हैं। मैं बता दिया आपका विरोध टोटल, डॉक्टर एक देवता होता है। सबसे पहले कौन पूछता था, कौन है दीपा का सदा केस पटेल सर के पास जाइए, उनके पास जाइए, अब नहीं है कुछ नहीं है।
लेकिन जब एक बार कोई चीज रिएक्शन कर दी तो उस पर हमको रोक लगा देना चाहिए। हमारा तो जांच करनी चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप ये नहीं बता रहे कौन सा ब्लड ग्रुप था, क्या चढ़ा दिया, उनकी फिजिकल स्टेट बता रही कि वो क्या दिक्कत थी, आप वो बता दो। ब्लड ग्रुप दूसरा चढ़ा क्या था, रीजन आप बताओ मुझे। आप जांच करो उस चीज की, सिंपल दो मेरे को। आप नहीं कर सकते, मैं करवाऊंगा। आपको थोड़ा सा तो रखना चाहिए, जरा सा क्या दिक्कत थी गया। नहीं, एक बार रिएक्शन किया आपके तो पास, जो ब्लड ग्रुप आया, जो भी ब्लड आया उसकी आपको जांच करनी है। चढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती, दोबारा चढ़ाया गया वहाँ से। जब इंजेक्शन दिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, एक बार रिएक्शन किया, इंजेक्शन दिए, तुमको थोड़ा नॉर्मल आया, ऐसा ना। जब यहाँ पुनः चढ़ाया गया तो यहाँ ज्यादा ब्लड चढ़ा दोबारा, मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दोबारा यहाँ ब्लड ज्यादा चढ़ा, फिर उनके शरीर बिल्कुल ऐसे भर रहे थे, तो फिर उसको पहली बार में ये पोजीशन आई, तो चढ़ाने दी चाहिए दोबारा। अच्छी बात तो थी, हमने देखा जो एक बार क्रिटिकल नहीं थे, लापरवाही से ही ब्लड रिएक्शन करता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, पर जब एक बार रिएक्शन किया चीज को तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। वो तो गलती की है ना, हम ना हमारी दृष्टि से ये बोल रहे हैं कि शायद ब्लड ग्रुप दूसरा रहा हो, इस वजह से। तो फिर गलती है आपकी, तो आप फिर रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने जो भी किया, जो भी ट्रीटमेंट किया, वो आपकी जिम्मेदारी। वो तो हम तो जानेंगे नहीं, आप जानेंगे कि ब्लड ग्रुप वही है कि दूसरा है। वहाँ से देखने के बाद हमको भी चेक करना चाहिए। पापा का ब्लड लाया था, आप उसको देख रहे हैं। मैं आपको ये भी बताया कि हम ब्लड ग्रुप सही था, लेटने की सही व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं था, लास्ट में लिटाए थे, तुमने कहा पंखे की व्यवस्था नहीं सर। नहीं तो पंखे के लिए तुमने बोला कि बीच में लगा दीजिए, दोनों लोग को लगे। आप इस पोजीशन में कि किसी मेडिकल कॉलेज में वहाँ के एचओडी होते, मैं इस तरह से मेरी औकात न होती आपसे बात करने की, सिर झुकाए मैं खड़ा रहता हूँ। ब्लड जो भी वहाँ से फोन किया, इस तरह की लापरवाही, तो नंबर दिया, उनसे मैंने बात किया, कहा सर व्यवस्था हो रही है, जा रहा है। पर आपने कहा कि ब्लड की भी जरूरत नहीं है, 350 के इंजेक्शन लगाइए, दो यूनिट पूरी होगी। उस इंजेक्शन का क्या, मेरे पास मैं सब बात पापा सुनिए। ऊपर सिंह के एक डॉक्टर थे, वो व्हाइट कोट पहने हुए, उन्होंने कहा कि अभी क्या कहते हैं ये ग्रुप मंगाइए, होमो मंगाइए। अरे वो ग्रुप मैं क्या जानू भाई, जो एक बार बताते नहीं है, एक बार में कुछ होता तो हम बताए, एक बार में इन्होंने नहीं बताया। मुझे क्या जानकारी, नहीं ये बोले थे होमो हो गया, होमो ला दीजिए, हो गया पीआरसी मंगा दी, पहले से नहीं बताते, बाद में बताते पीआरसी भी चाहिए, ये चाहिए, पहले से सुनो नहीं बताएगी, दोबारा ही बताएगी। डॉक्टर ही नहीं कंफर्म है, क्या पढ़े डॉक्टर ही नहीं कंफर्म है कि चाहिए क्या, कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, पैसा चाहिए। हम लोग जिस फील्ड में, उस फील्ड में मैं देख रहा हूँ लाइन लग गई थी, पर हम अब क्या है मरीज लिए हैं तो हम तो कहेंगे नहीं, जितना आप लिखेंगे हम पूरा करेंगे। अभी कोई नेता ना पार्टी होता ना तो पैसे देके बड़े आसानी से देख लेते, चाहे वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, वो तो हम छोड़ने वाले, लेकिन गरीब को कोई नहीं होगा। आपके नाम कोई दिक्कत नहीं है, FIR दर्ज होगा, क्योंकि क्लेम बनेगा उनका, क्लेम होगा, तो FIR बोल दिए भाई साहब, बोले की FIR मैं जो करूंगा तो करूंगा, क्योंकि एक बार गलती करने के बाद दोबारा गलती नहीं की जाती। उसके पहले कोई डॉक्टर नहीं था, उसके आधे घंटा पहले नहीं, सही से वो नहीं बताती थी, कौन सा चाहिए, होमो चाहिए, पीआरसी चाहिए, हम लोग बच्चे थोड़ी स्पीड में पढ़े हैं। नहीं रिएक्शन किया मान लिए, पर वो रिएक्शन शायद वो ग्रुप ना रहा होगा, उसमें कमी रही होगी, दूसरा ब्लड आया, पता नहीं दूसरा आरसीबी नहीं होना, कौन सा बीसीबी होना मुझे नहीं पता। नहीं तो एक बार रिएक्शन किया, उतनी तेज अकड़न आई थी, इन्होंने देखा था, तो उसको दोबारा फिर की गलती किया और दोबारा ज्यादा ब्लड चढ़ाए, मैं था दोबारा ब्लड ज्यादा चढ़ाए, तब हमको बुला के नहीं, बॉडी नहीं जाएगी, पहले न्यूज आया रिपोर्ट है, बॉडी बॉडी नहीं ले जाएंगे जब तक यहाँ न्यूज चैनल आएगा, न्यूज चैनल बुलाएंगे हम, तो न्यू चैनल आएगा, पुलिस आएगी तभी हम जाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए बस। और कौन सा चैनल, बिंदिया हॉस्पिटल, बिंदिया न्यूज चैनल को भी बुला, एक मिनट और भी नंबर मिलेगा। सुविधा देना चाहिए।
पूरी तरह से स्वस्थ थे। अरे नहीं स्वस्थ आए थे, इमरजेंसी के लिए हम 1000 की जगह 10,000 दे देंगे, तो अभी नहीं दे रहे थे। ऊपर से कहते हैं वहाँ से मिस्टेक हो गया, ठीक है वो हमें तो पता है खून की कमी चल रही है, तेलों को बताना चाहिए तो जिंदा आदमी। मौत चाहे जैसे भी हो, मौत जिसकी होना है तो होना है, लेकिन उसमें लापरवाही लापरवाही हुई है। मौत वो ठीक है, मौत मौत के जिसकी है जो जब, लेकिन लापरवाही दोनों हॉस्पिटलों की है, लेकिन इसके लिए है। अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो डॉक्टर पे भरोसा कौन करेगा? छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, क्या है उनके कितनी अंग है। डॉक्टर जब ऐसे पेशेंट हो जाए, गंभीर हो जाए, फिर आपको आना चाहिए। अब पूरी तरह स्वस्थ, किसी प्रकार 80 किलोमीटर से आए हैं, यहाँ भोजन बोले गाड़ी बुक करा के आए, बुजुर्ग आदमी है, दे दीजिए, कुछ नहीं होता है। और फिर लास्ट पोजीशन में आप कह रहे हैं हाँ हम नहीं हो पाए, आपके बस की नहीं। पहले आप देख करके, हमने सिरमौर था और इसको फोन लगाया था कि जो है तो दिक्कत हो, तो बताओ डॉक्टर आए छोड़ भी तो नहीं रहे थे ना। सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्रॉस नहीं चेक किया, ये सामान्य को पैसा लेने के लिए आईसीयू लाया गया सर, उसको गंभीर किया गया। ये डॉक्टर का लक्षण हो गया, डॉक्टर देवता होता है, ये सिर्फ व्यवसाय के लिए किया गया, जान बूझ के किया गया। सारे आपके रिलेटिव हैं, चाहे वो पैथोलॉजी में बैठता हो, चाहे मेडिकल चलाता हो, सब आपके रिलेटिव सर। ये नहीं मैं बता रहा हूँ, इस तरह की नहीं डॉक्टर को नहीं, आप हम मानते आपको पहले थे। वो इतने स्वस्थ व्यक्ति थे, आगे आगे उनको कुछ न देते दवाई, तब भी वो अभी आपके पास भेज रहे थे, दिखाना है। मैं राजेश पांडे को फोन किया कि भाई ब्लड की व्यवस्था करिए, मैं राजेश पांडे हमको वो नंबर दिए, मैं वहाँ फोन किया तो भाई कल मैं रात को वहाँ से खिलाया, खरीद के खिलाया। कैमरा